अब पढ़ेंगे, एफर्ट मस्ट बी मेड बाई ऑल ऑफ अस कंसर्व वाइल्ड लाइफ विच कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। क्या करा है, काफ़ी प्रयास किया तो संरक्षण वनों की लाइफ को संरक्षण करने के लिए, और इसको निम्नलिखित तरीके से किया गया है। सबसे पहले किया गया हैबिटेट कंजर्वेशन, मतलब उनके रहने के स्थान को संरक्षण किया गया। फिर हंटिंग प्रोबेशन, इसमें क्या किया गया, उनके शिकार पर रोकथाम लगाई गई, निषेध कर दिए गए उनके शिकार को। तो हम आज ये पढ़ेंगे हैबिटेट कंजर्वेशन। हैबिटेट कंजर्वेशन में आप सबसे पहले ये है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मनुष्य की संख्या बढ़ती जा रही आबादी, एंड इंक्रीज इन लैंड यूज़, और वह क्या करता है फिर, रहने के लिए उनको जगह चाहिए होती तो वह स्थान बढ़ता जाता है। एनिमल हैव ए लिटिल स्पेस टू लाई, अब एनिमल्स की ज़िंदगी क्या होती है, ये कम जाती है क्योंकि उनको रहने का स्थान कम होता जा रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ओपन लैंड सरफेस हैज़ बिन ऑक्यूपाइड बाई मैन, हम सभी जानते हैं कि आधी से ज़्यादा पृथ्वी पर जो जमीन होती है, भूमि पर किसका कब्जा है, मनुष्य का। फास्ट डिफोरेस्टेशन लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल, आप सभी जानते हैं कि वनों की इतनी अधाधुंध तरीके से कटाई हो रही है जिसकी वजह से एनिमल्स क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। एनिमल कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, आप हम सब जानते हैं कि एनिमल्स अदर जगह पर सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि उसको प्राकृतिक में रहने की, उसका जो प्राकृतिक स्थान होता है वहीं उसका आवास होता है, वहीं उसको रहने की आदत होती है। प्रिजर्विंग द हैबिटेट इनिशियल फ्रॉम प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, हम सभी जानते हैं कि जो संरक्षण होता है उसका, जो आवास है उसका एनिमल्स का, वो उसके लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि इसमें उसके लिए जैव विविधताएं होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ रहता है। तो एनिमल्स के लिए लाइफ में नेचुरल, मतलब उसे प्रकृति के पास ही रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। अब आता है हंटिंग प्रोबिनेशंस। हंटिंग प्रोबिनेशंस में आपको बताया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो शिकार पर किस तरह से रोकथाम लगाई गई है। इन इंडिया वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्ट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो इंडिया ने, हमारे भारत सरकार ने प्रोटेक्ट करने के लिए जंगल लाइफ को, तो उन्होंने 1972 में एक एक्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग टू द एक्ट हंटिंग ट्रैपिंग एंड कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स पनिशेबल ऑफेंस। तो उन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी एनिमल्स पे कब्जा करेगा या उसका शिकार करेगा या उसे फंसाएगा, कुछ भी एनीथिंग इस तरह से करता है तो वो दंडनीय उसके लिए अपराध होगा। इट्स ऑनफल्स टू ड्रेड एनी वाइल्ड एनिमल्स और इट्स बॉडी पार्ट, अगर उसके कोई बॉडी पार्ट्स वगैरह को वो रखेगा उसके लिए भी उसको पनिश किया जाएगा, वो भी इसका दंडनीय अपराध कहलाता है। सो द एक्सपोर्ट ऑफ स्किन स्नेक टाइगर पैंथर क्रोकोडाइल, ये सब एनिमल्स हैं और भी एनिमल हैं, हॉर्न्स ऑफ द राइनोसेरॉन टस्क ऑफ एलिफेंट इज प्रोविडेंट, तो इस पर क्या लगा दी गई है, रोकथाम लगा गई है उनके सामानों पर जो उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा, तो इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है आपको। ओके बच्चा, थैंक यू।